नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर। आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में एक तरफ शिक्षक बहाली को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की तरफ से सक्षमता परीक्षा पर उठाए गए सवालों की भी चर्चा है। लेकिन आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ अलग ही बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की एक नई तस्वीर ये भी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है, साथ में शिक्षा विभाग को भी जोड़ लेते हैं, शिक्षा विभाग की भी बड़ी भूमिका रही है इसमें। उन सभी ने मिलकर के एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले के तहत बिहार में अब कुछ ऐसे शिक्षक प्रणाली के लोग भी हैं जिनकी सैलरी सरकार नहीं देगी, यानी कि उनके मानदेय का भुगतान सरकार नहीं करेगी। उनके मानदेय का भुगतान वही विश्वविद्यालय करेगा जिस विश्वविद्यालय के तहत जो है वो कार्यरत है। आपको बता दें कि ये कौन से शिक्षक हैं और इन शिक्षकों के साथ आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया और क्या वजह रही उससे पहले कि इन शिक्षकों के नाम की भी चर्चा होने लग गई है, तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग कैटेगरी में जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था बटी हुई है। हर कैटेगरी में अलग अलग तरह के शिक्षक रहते हैं। इसी तरह से एक ऐसी भी प्रणाली है जिसका नाम है अतिथि शिक्षक। जी हाँ, अतिथि शिक्षक को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को अब सरकार जो है वो सैलरी नहीं देगी और ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब 6 महीने से यहां पर तमाम शिक्षकों की सैलरी अधर में है, यानी कि उन्हें सैलरी नहीं मिली है। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों की तरफ से बहुत बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है, इतना समय हो गया है और अब एक नया फैसला भी आ गया है, नया फरमान भी आ गया है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से। तो देखिए, के पाठक जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं कि जितनी भी बहालियाँ हो रही हैं या जो लोग पहले से कार्यरत हैं उन सभी को समय पर सैलरी मिले, वो लोग काम समय पर करके दे, सरकार की तरफ से भी यही कोशिश है। कहना उन सभी का यही होता है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द हम आगे बढ़ाएंगे और जो पिछड़ गया है जो चीज़ें उनको साथ ला करके हम सब काम करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, कभी नए नए फैसले आ रहे हैं, कभी नए नए रूल्स रेगुलेशंस हो रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं हम कि किसी भी शिक्षक के साथ में कोई सी भी व्यवस्था सरकार की तरफ से कभी भी कर दी जाती है। अब अतिथि शिक्षकों के लिए ये बात सामने आई है। अब विश्वविद्यालय जो है वो उन्हें मानदेय किस तरह से देगा अब ये नहीं पता, लेकिन हाँ, सरकार ने अतिथि शिक्षकों से तो अपना पाला झाड़ लिया है। वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ सैलरी विश्वविद्यालय की तरफ से ही मिलेगा। तो देखिए, बिहार की एक ऐसी भी शिक्षा व्यवस्था और इसकी तस्वीर ऐसी भी है। तो चलिए, इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।